नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर। हालांकि हम हिसार संसदीय क्षेत्र के जो विधानसभा हैं उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सोनीपत जो विधानसभा क्षेत्र का ये वीडियो है असल में मैं भूल गया था, और हमारे एक दर्शक साथी हैं सत्येंद्र यादव जी, उन्होंने याद दिलाया कि सोनीपत लोकसभा के बाद तो सोनीपत विधानसभा का वीडियो आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया है। इसलिए आज सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की कहानी सुनाता हूं दोस्तों, क्यों इस हलके को हम छोड़ें, बहुत अजब हलका है ये। सोनीपत हलके का चुनावी इतिहास 1952 के विधानसभा चुनाव से शुरू होता है। इस चुनाव में हरियाणा में जो कांग्रेस थी उसको पौधे से पेड़ में बदलने वाले पंडित श्रीराम शर्मा जी ने सादीराम जी को हराकर वो यहाँ से विधायक बने थे। 1957 में भी पंडित श्रीराम शर्मा जी यहाँ से विजयी रहे और आजाद प्रत्याशी मनफुल सिंह जी को उन्होंने हराया था। 1962 में दोस्तों जनसंघ के चौधरी मुख्तार सिंह मलिक ने कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी रामधन को पराजित करके यहाँ से जीत दर्ज की थी। 1967 में कांग्रेस के मोहनलाल ठक्कर ने विजय हासिल की थी और इस बार उनके सामने हारने वाले जनसंघ के प्रत्याशी चौधरी मुख्तार सिंह मलिक थे। 1968 के जो मध्यावधि चुनाव हुए उसमें एक बार फिर से जनसंघ के मुख्तार सिंह मलिक जी कांग्रेस के दीवान सिंह खोसला को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। 1972 में कांग्रेस के चिरंजीलाल शर्मा जी की यहां से एंट्री होती है और उन्होंने जनसंघ के वासुदेव को हराया था। इसके अगले तीन विधानसभा चुनाव में देवीदास जी का डंका सोनीपत में बजता है और सोनीपत में जीत की हैट्रिक वो लगाते हैं। एक तरीके से कहें तो आज तक सोनीपत के सबसे सफल विधायक देवीदास जी हैं और उनके नाम ही जीत की हैट्रिक है। पिछले दिनों वो एक्सपायर हुए हैं। 1973 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में देवीदास जी ने कांग्रेसी दिग्गज पंडित चिरंजीलाल शर्मा को परास्त किया था। 1982 में वो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और इस दफा उन्होंने कांग्रेस के मोहनलाल को पराजित कर दिया था। 1987 में तो देवीलाल जी की आंधी ही चल रही थी और इस आंधी में कांग्रेस के श्यामदास मुखीजा को हराकर देवीदास जी अपना किला बचाने में सफल रहे थे। 1991 में कांग्रेस के श्यामदास मुखीजा ने उनकी जीत पर ब्रेक लगा दिया और इस चुनाव में देवीदास जी तीसरे नंबर पर पहुंच गए। 1996 में भाजपा और होइपा का गठबंधन था दोस्तों, भाजपा और होइपा मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और इसके बावजूद यहाँ पर एक अलग तरह के नेता की एंट्री होती है और वो एंट्री थी धन कुबेरू देवराज दीवान जी की। उन्होंने ओम प्रकाश जी को इस चुनाव में हराया था। 2000 में भी देवराज दीवान जी निर्दलीय विधायक बने थे और इस बार देवीदास जी दूसरे नंबर पर रहे थे। 2005 में अनिल ठक्कर कांग्रेस का परचम फहराने में सफल हो गए और उनके सामने राजीव जैन चुनाव हारे थे, वो निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहे थे। उनकी किस्मत में तो विधायक बनना शायद नहीं लिखा था, लेकिन उनकी पत्नी चुनावी राजनीति में अच्छी खासी सफल रही हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जैन की जो धर्मपत्नी है कविता जैन उनको अपना टिकट दिया और वह चुनाव जीतकर सोनीपत की पहली महिला विधायक बन गई। उन्होंने अनिल ठक्कर को चुनावी मैदान में हराया था। कविता जैन जी ने 2014 में भी अपना कब्जा कायम रखा और वो मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रही। 2019 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ने चमत्कार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण बनियों और पंजाबी सीट मानी जाने वाली सोनीपत हलके में जो जीत दर्ज की वो अपने आप में एक अनोखी बात है दोस्तों, और सारे सियासी समीकरण उन्होंने परे बिठा दिए थे। उनके पवार गोत्र की वजह से सोनीपत से जो बाहर के लोग हैं अधिकतर ये समझते हैं कि सुरेंद्र पवार जी जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका जो समुदाय है वो दूसरा है, वो तेली जाति से हैं और मुस्लिम तेली हैं वो। और इस सीट पर 3 बार ब्राह्मण, 1 बार जाट, 8 बार पंजाबी और 2 बार बनिया समुदाय से विधायक चुने गए हैं। अभी पिछले दिनों हरिभूमि का कवि सम्मेलन था तो उसमें जो कवि हैं हरिओम पवार जी, वो सुरेंद्र पवार जी को बार बार ऐसा समझ रहे थे कि वो उनके सरनेम की वजह से कि पवार साहब तो मेरे अपने भाई हैं। तो ये हरियाणा से बाहर बहुत कम लोगों को सुरेंद्र पवार जी का जो कास्ट है वो पता नहीं है। हालांकि जो जनसेवक होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, जनसेवा का काम करना होता है, और राजनीति में तो जो कास्ट समीकरण है वो कड़वी सच्चाइयाँ हैं, इसलिए इन पर भी कभी कभी बातें हो जाती हैं। हालांकि अच्छे लोगों को हमें वोट देना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति से हो। जातियों ने जितना नुकसान हमारे देश का किया है शायद दुनिया में ये उदाहरण नहीं मिलेगा, जिनकी वजह से जाति जो हमारे दिलों में जो संकीर्णता धीरे धीरे करके आ रही है
उनकी वजह से हम अच्छे लोगों को भी कई बार वोट नहीं देते हैं, और इस वजह से पार्टियों ने अच्छे लोगों को टिकट देना बंद कर दिया है। आप अच्छे लोगों को वोट देना शुरू करें, पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। तो ये थी दोस्तों सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की कहानी। सत्येंद्र यादव जी का एक बार फिर से धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस भूले हुए वीडियो को याद दिला दिया। फिर हम बातें करेंगे जो आगे बचे हुए विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी। ये सीरीज है, लगातार चल रही है दोस्तों, 2024 सामने है। सोनीपत का आकलन आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि 2024 में सोनीपत का जो अगला विधायक है कौन बन सकता है, कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। शुक्रिया, नमस्कार।